बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है इंडिया में रिलीज हुई और धूम मचाकर 330 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है। फिलहाल इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 550 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है टाइगर जिंदा है। लेकिन इससे पहले एक बात की खूब चर्चा हो रही थी, फिल्म बजरंगी भाईजान को लेकर। जी हाँ, फिल्म बजरंगी भाईजान को चाइना में रिलीज को लेकर खूब चर्चाएं की गई सोशल मीडिया पर। लेकिन आपको बता दें, फाइनली रिलीज होने वाली है फिल्म बजरंगी भाईजान चाइना में। जी हाँ, एक इंटरनेशनल वेबसाइट की माने तो बताया जा रहा है 2 मार्च को चाइना में रिलीज की जाएगी सुपरस्टार सलमान खान और करीना कपूर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान। इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कबीर खान ने बनाया है, जिनकी हाल ही में एक फिल्म आई थी ट्यूबलाइट, जो की बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन बजरंगी भाईजान ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में 300 करोड़ प्लस और वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था। वहीं पर अब देखना बड़ा ही मजेदार होगा कि टाइगर जिंदा है आखिर चाइना में क्या धूम मचा पाती है। हाल ही में फिल्म दंगल ने 1500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया चाइना में।